हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। शॉर्टकट जो उसका नाम है CASE। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है CASE का, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज के लेक्चर हम देखेंगे केस टूल्स के, व्हाट मीनिंग ऑफ केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कंटेंट्स के, कितने कंटेंट्स है उसके, क्या क्या हम आज स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह यहाँ पे केस उसकी हिस्ट्री है, उसका डेफिनेशंस क्या है, फिर नीड्स ऑफ केस टूल्स, उसकी नीड्स क्या है, वाई केस टूल्स आर डेवलप, केस टूल क्यों डेवलप करना, वाई, फिर कैटेगरी ऑफ केस टूल्स, उसकी कैटेगरीज, तो कैटेगरीज में डायग्राम टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, वेब डेवलपमेंट टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, मेंटेनेंस टूल्स, ये सारे के सारे टूल्स की जो कैटेगरीज है वो हम वन बाय वन नहीं देखने वाले, जस्ट आपको इतने की टूल्स आपको याद रखने की इतनी कैटेगरीज है, ठीक है। फिर उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये कंटेंट है केस के जो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हिस्ट्री, तो पहले हम देख लेते हैं वो कैसे आया, ओके, उस चेंजेस क्या थे उसके। तो नाउ डेज एवरीथिंग हैज गो फास्टर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ चेंजिंग मार्केट, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, रिप्लेस ओल्ड वन मच अर्लियर देन बिफोर, ठीक है। आज के दिन में क्या है कि नाउ डेज एवरीथिंग इज गो फास्टर, ठीक है, सब कुछ फास्ट हो गया है बिकॉज इंक्रीजिंग स्पीड, उसकी स्पीड चेंजिंग, तो मार्केट डिमांड के हिसाब से हमको चेंज करना पड़ता है, प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ता है, ओल्ड मर्ज अर्लियर देन बिफोर, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से हमको स्पीड में काम करना पड़ता है नाउडेज। तो दस द प्रोडक्शन लाइन हैव टू डेवलप फास्टर, तो आज की डेट में हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको फास्टर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डेवलपमेंट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस रोल है डेवलपमेंट का वो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट मीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इन पास सॉफ्टवेयर सिस्टम वेयर बिल्ड यूजिंग द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट टेक्निक, ठीक है। इन पास सॉफ्टवेयर सिस्टम जो था वो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट टेक्निक्स में यूज हो रहा था, तो दिस इज टू मच कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, जो बहुत कॉस्टली था और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो पास्ट में जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट टेक्निक यूज़ करते थे, तो वो कॉस्टली था और टाइम कंज्यूमिंग था, तो वो हिसाब से हमने जो चेंजेस लाए वो थे केस टूल्स, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत थियरी है जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या था पहले और अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं व्हाट मीनिंग ऑफ कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। टू स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड द प्रोसेस, न्यू कंसेप्ट ऑफ डिजाइन सॉफ्टवेयर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, पर उसके बाद डिजाइनिंग न्यू कंसेप्ट इन बिल्ड हुआ, उसके अंदर प्रोसेस में स्पीड अप हुई, फास्ट हुआ, और उसको इंट्रोड्यूस किया 1970 में, जिसको नाम दिया कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स टू हेल्प द डेवलपर एंड मेंटेन द सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए फास्टर, उसका यूज़ करने के लिए आपको केस टूल्स यूज़ करना है, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेन कुछ अच्छी तरह या फिर कुछ फास्ट में करना हो तो आप केस टूल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इंटेंड टू प्रोवाइड ऑटोमेट सपोर्ट फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जो एक्टिविटीज़ है वो ऑटोमेटिक सपोर्टेड है, तो केस टूल्स क्यों यूज हो रहा है, बिकॉज वो ऑटोमेटिक सपोर्टेड है एक्टिविटीज में, इसलिए ज़्यादातर 1970s में जो डिजाइनिंग कंसेप्ट डेवलप हुआ इसके वजह से हुआ कि सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिक बनाना है और फास्टर बनाना है, ठीक है। अब उसकी डेफिनेशन देखो ऑटोमेटर की, ऑटोमेटर सपोर्ट इज दैट वी
यूज सम सॉफ्टवेयर टू डेवलप अनदर सॉफ्टवेयर। ऑटोमेटेड सपोर्ट क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करता है अनदर सॉफ्टवेयर से। तो सर वी यूज सम सॉफ्टवेयर टू डेवलप अनदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर से हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड सपोर्ट, जो ऑटोमेटिक सपोर्ट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशंस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। फिर बाद में क्या है, नीड्स, नीड ऑफ कैस टूल्स, उसके नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है वो ऑलवेज लुकिंग फॉर सच कैस टूल्स दैट हेल्प मेनी डिफरेंट वे ड्यूरिंग द डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस है जो ड्यूरिंग द डिफरेंट वे हमको देंगे मेनी हेल्प होगा उसके लिए। वो ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं वो केस टूल को ही लुकिंग करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से जितने स्टेटस डिफरेंस है उसके हिसाब से वो हेल्पफुल है केस टूल्स में। ठीक है, तो डेवलपर केस टूल ही यूज करते हैं। दे कैन अंडरस्टूड एंड सॉफ्टवेयर प्रीफर अ गुड एंड प्रोडक्ट दैट इफिशियंसली फुलफिल द यूजर रिक्वायरमेंट। केस टूल्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और प्रीफर अ गुड एंड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को गुड प्रीफर करवाएगा और रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी इस यूजर की, जो यूजर ने रिक्वायरमेंट दी है कि किस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, किस हिसाब से मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो हिसाब से आप केस टूल यूज करोगे तो वो अंडरस्टैंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में इजीली। इसके लिए केस टूल यहाँ पे डेवलपर यूज हो रहे हैं। ठीक है, केस टूल प्रोवाइड द वे दैट कैन बी फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो आगे बताया वही सेम चीज है। केस टूल प्रोवाइड हो रहा है रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, जो कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए केस टूल सबसे बेस्ट वे है डेवलपर के लिए। ठीक है, दिस टूल्स प्रोवाइड कंप्यूटराइज सेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपर टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड देन डिजाइन इट्स सिस्टम मॉडल। सबसे बढ़िया क्यों, बिकॉज कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो सेटिंग में जो भी डिजाइनिंग है, जो एनालिसिस में प्रॉब्लम है वो इजीली आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हो, और इजीली सेटिंग में जाके आप कंप्यूटराइज उसको सेट कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे जो केस टूल है वो हमको प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटराइज सेटिंग फॉर डेवलपर, इसलिए कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली फुलफिल हो सकती है हमें। ठीक है, ये थी नीड्स ऑफ केस टूल कि इतनी नीड्स होनी चाहिए। फिर किस हिसाब से हमारा ये केस टूल वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, जो मैंने आपको लास्ट टाइम जो मॉडल बताया था वही हिसाब से यहाँ पे है, वाटरफॉल मॉडल जो दिखाया था वही सेम टू सेम। पहले क्या होता है, प्लानिंग मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। फिर क्या होता है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है कि भाई डिजाइनिंग कैसे होगी, एनालाइज मीन्स कैसे हमको कोड करना है, वो सब चीज़ एनालाइज में होगा। फिर उसके बाद उसको डिजाइनिंग करना है कि किस हिसाब से आपको ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, फिर उसमें इम्प्लीमेंट करना है, फिर आपको उसमें टेस्टिंग करना है कि कोई एरर या कोई बग्स नहीं है, फिर लास्ट में उसको क्या करना है, मेंटेन करना है कि वो इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने उसको बोला है कि इतने साल तक वो वर्क करेगा तो वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्री स्टेप है उसको बोलते हैं अपर केस, लास्ट थ्री जो स्टेप है उसको बोलते हैं लोअर केस, और सिक्स जो स्टेप है सारे के सारे उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड केस। ठीक है, तो अपर केस, लोअर केस और इंटीग्रेटेड केस, इस हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है केस इज द यूज ऑफ द कंप्यूटर असेसमेंट मेथड टू ऑर्गेनाइज द कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग मेनी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एंड पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मेनी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और पीपल्स जो यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो हिसाब से यहाँ पे केस टूल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी केस टूल्स यहाँ पे हो रहे हैं यूज, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स यूज हो गए, वहाँ पे ही आपको केस यूज करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, यूजिंग केस अलाउ डिजाइनर, कोड राइटर, टेस्टर, प्लानर, मैनेजर टू शेयर कॉमन व्यू वेयर अ प्रोजेक्ट स्टैंड एट द ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सबसे बढ़िया, बिकॉज यहाँ पे जो डिजाइनर है, राइटर है, टेस्टर है, प्लानर है, मैनेजर है, सारे के सारे यहाँ पे व्यू शेयर कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को स्टैंड बाय स्टैंड ईच स्टेज पे डेवलप कर सकते हैं। ये किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करूँ, सारे के पास शेयरिंग में ही होता है, इसलिए इजीली यहाँ पे केस टूल्स में ये लोग अलाउ कर सकते हैं, इसलिए सब लोग यहाँ पे केस टूल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है हमारा केस टूल्स। वाई केस टूल्स आर डेवलप, क्यों उसको डेवलप करना है? तो मेन पर्पस ऑफ केस टूल्स इज डिक्रीज द डेवलपमेंट टाइम। फर्स्ट तो मेन जो पर्पस है उसका टाइम डेवलपमेंट, कि टाइम को डिक्रीज करता है एंड कॉस्ट भी डिक्रीज होता है, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए केस टूल्स डेवलप करना ज़रूरी है। टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है, कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, क्वालिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो सबसे बढ़िया है कि केस टूल्स ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, केस टूल्स आर डेवलप फॉर फॉलोइंग रीजन। सम रीजन्स हैं केस टूल्स के जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। रीजन क्या है, फर्स्ट क्विक इंस्टॉलेशन, उसकी इंस्टॉलेशन क्विक है। टाइम सेविंग बाय रिड्यूसिंग कोडिंग एंड टेस्टिंग टाइम, यहाँ पे कोडिंग और टेस्टिंग टाइम का टाइम बच रहा है क्योंकि सबके पास शेयरिंग में सबको अपने हिसाब से वर्क करना है। इनरिच ग्राफिकल टेक्निक एंड डेटा फ्लो, यहाँ पे ग्राफिकल टेक्निक और डेटा फ्लो है। इनहांस द एनालिसिस एंड डिजाइन डेवलपमेंट, यहाँ पे डिजाइनिंग डेवलपमेंट कर सकते हो। क्रिएट मैनिपुलेट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे इजीली डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। स्पीड ड्यूरिंग द सिस्टम डेवलपमेंट इंक्रीज, यहाँ पे सिस्टम की डेवलपमेंट स्पीड जो है वो ड्यूरिंग इंक्रीमेंट्स कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, फास्टर है इसलिए। तो ये सब चीज़ आपको फॉलोइंग रीजन याद रखने की, किस तरह यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वाई केस टूल्स आर डेवलप, क्यों केस टूल को डेवलप करना है, तो ये इस हिसाब से आपको डेवलप करना है। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो कैटेगरी देखी थी, मेजर कैटेगरी केस टूल्स की, कहाँ कहाँ कैटेगरी से कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो देखो डायग्राम टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, वेब डेवलपमेंट टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, मेंटेनेंस टूल्स, तो ये सब मेजर कैटेगरीज है जो आपको याद रखना है, जो एमसीक्यू में क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी कैटेगरीज केस टूल्स की है, तो आपको ये कैटेगरीज केस टूल की आपको याद रखनी है। फिर से देख लो, डायग्राम टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, वेब डेवलपमेंट टूल्स, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स, मेंटेनेंस टूल्स। ठीक है, ये है सम मेजर कैटेगरीज ऑफ केस टूल्स। अब केस टूल के एडवांटेजेस, केस टूल्स इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर। आपके जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी, ये सबसे बढ़िया उसका एडवांटेजेस है। दूसरा, प्रोड्यूस सिस्टम दैट मोर क्लोजली मीट यूजर नीड्स टू रिक्वायरमेंट, क्लोजली यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है सिस्टम, बिकॉज सब कुछ साथ में वर्क कर रहा है, सबके साथ शेयरिंग में है तो फास्टर वर्क हो रहा है, तो जैसे भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसकी नीड्स है वो मोर देन क्लोजली यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोड्यूस सिस्टम विद एक्सेलेंट डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक्सेलेंट आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर टूल्स आर मोर इफेक्टिव, टूल्स आर मोर इफेक्टिव और लार्ज स्केल सिस्टम, यहाँ पे टूल्स जितने भी है वो इफेक्टिव है ज़्यादा और लार्ज स्केल में सिस्टम है, ये भी अच्छा है। प्रोड्यूस मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना सकते हो। कैश टूल रिड्यूस द टाइम, टाइम को बचा सकते हो, एरर करेक्शन मेंटेन कर सकते हो, तो ये सब चीज़ है एडवांटेजेस ऑफ कैश टूल्स। तो देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस, तो आपको ये सिक्स टाइप्स के एडवांटेजेस आपको ही याद रखने हैं, इस केस टूल्स में हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये देखना है आपको उसके एडवांटेजेस।
अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या? ज़्यादातर कोड एक साथ में करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वर्क करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समझ में नहीं आएगा कहाँ से कौन सा मॉड्यूल पे हम वर्क करें, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म्स प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे वर्क कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे नॉट इजीली मेंटेनेबल, आप मेंटेन भी नहीं कर सकते इजीली, बिकॉज प्रोजेक्ट हमारा लार्ज है, लॉन्ग टर्म्स है, तो यहाँ पे मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर गुड क्वालिटी केस टूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे गुड जो क्वालिटी है क्वेस्टेज वो एक्सपेंसिव भी हो सकती है। रिक्वायर ट्रेनिंग मेंटेनेंस स्टाफ, ट्रेनिंग मेंटेनेंस स्टाफ भी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म्स बड़ा प्रोजेक्ट है तो स्टाफ की ज़रूरत भी पड़ेगी। मे बी डिफ़िकल्ट टू यूज़ विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो मे बी डिफ़िकल्ट भी यूज़ करने के लिए हो सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म है, लार्ज है, तो डिफ़िकल्ट भी है। तो एडवांटेजेस है तो सम डिसएडवांटेजेस भी है यहाँ पे, ठीक है? तो एडवांटेजेस देख लीजिए आप, तो ये 5 टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेज देख लो। ओके, और ये रहा हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस। फुल फॉर्म ऑफ केस, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इज इंट्रोड्यूस इन द कौन से ईयर में, वो आपको दिखाना है। और टू मेजर कैटेगरी ऑफ केस टूल्स, बहुत सारी में कैटेगरीज है, उसमें से आपको टू कैटेगरीज आपको देने हैं। तो ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है? तो ये था आज का टॉपिक केस। ओके, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज के टॉपिक में इतना आपको पता होना चाहिए, व्हाट मीनिंग ऑफ केस, उसकी हिस्ट्री, उसके डेफिनेशंस, उसके डीज, वाई केस टूल्स डेवलप, उसकी कैटेगरीज और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, इतने टॉपिक थे आज के, और ये था हमारे असाइनमेंट क्वेश्चंस। फुल फॉर्म केस के, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस इन द ईयर एंड टू मेजर कैटेगरी इन द केस टूल्स।